हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट, मैं हूँ श्रद्धा पांडे। देखिए, कल का आईपीएल 2022 का जो पहला एलिमिनेटर था वो खेला गया लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। देखिए, बहुत ही ज़्यादा महामुकाबला था दोनों ही टीम्स के लिए। डू और डाई वाली यानी करो और मरो वाली सिचुएशन जो थी वो कल बनी हुई थी। हालांकि कल लग रहा था कि मैच जो है होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बारिश का जो साया था वो लगातार मंडरा रहा था कल के मैच में। हालांकि टॉस जो है लेट हुआ, मैच भी जो है 8 बजे करीब स्टार्ट हो गया था कल, तो टॉस भी लेट हुआ था, मैच भी लेट हुआ था। इस वजह से कल थोड़ा सा लग रहा था कि क्या रहेगा मैच के, कितने ओवर्स रहेंगे और कहीं सुपर ओवर ना हो जाए, पहला आईपीएल 2022 का सुपर ओवर ना हो जाए। लेकिन बारिश ने यानी इंद्रदेव ने थोड़ा सा साथ दे दिया था और थोड़े से शांत रहे थे इंद्रदेव, तो 8 बजे के बाद जो है मैच शुरू हो गया था। उसमें अगर हम बात करें तो देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया था और इनवाइट किया था आरसीबी को कि आप आइए और पहले बल्लेबाजी करिए यानी डिफेंड करिए। और कल के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेज करा था, लेकिन वो चेज करना जो है भारी पड़ गया केएल राहुल की टोली को। जिस तरीके से आरसीबी ने 14 रन के साथ बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली थी और अब सीधे जो है अपना टिकट कटा लिया था कहाँ पे, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे, तो 14 रन के साथ आरसीबी ने जीत लिया था। लेकिन कौन है लखनऊ सुपर जायंट्स की हार का जिम्मेदार, आप थम से समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल, जिनके क्लासी शॉट्स की वजह से वो जाने जाते हैं। तो देखिए, केएल राहुल को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जा रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स की एक हार के पीछे है, हार के चलते जो है जिम्मेदार जो है ठहराया जा रहा है केएल राहुल को। अब वो क्यों ठहराया जा रहा है हम आपको बताते हैं इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। देखिए, केएल राहुल ने कल जिस तरीके से पारी खेली आप जानते हैं, बहुत अच्छी पारी खेली, 70+ उन्होंने कल स्कोर करा था। और आईपीएल 2022 में 70+ स्कोर करने के साथ साथ आईपीएल 2022 में अपने 600 रन का जो आंकड़ा है वो भी उन्होंने कल पूरा कर लिया था। लेकिन कहां गलती हो गई, कहां चूक हो गई राहुल से, तो चलिए बताएंगे आपको इस वीडियो में। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो शुरुआती जो पावर प्ले का टाइम था, जो शुरुआती 10 ओवर्स थे, उसमें केएल राहुल ने बहुत ही ज्यादा स्लो खेला था। ये जो है सबका मानना है कि काफी स्लो खेला था केएल राहुल ने। इन्होंने जब हाफ सेंचुरी भी लगाई थी तो हाफ सेंचुरी भी जो है काफी स्लो तरीके से लगाई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है अपनी फॉर्म पे आ गए थे केएल राहुल और अच्छा स्कोर उन्होंने जड़ दिया था, 70+ का स्कोर उन्होंने जड़ दिया था। लेकिन शुरुआत में जो है स्लो खेले, कहीं ना कहीं इसी चीज को सबके सब यानी फैंस जो है जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और जिस तरीके से आपने गौतम गंभीर के जो बदलते हुए रिएक्शंस देखे थे जब केएल राहुल खेल रहे थे और जिस तरीके से खेल रहे थे, गौतम गंभीर के जो चेहरे के एक्सप्रेशन है वो बदलते हुए हमें कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं वो नाखुश लग रहे थे केएल राहुल से जिस तरीके की पारी खेल रहे थे। हालांकि केएल राहुल शुरुआत से ही स्लो खेलते आए हैं, पहले स्लो खेलते हैं, पहले जमते हैं पिच पर, फिर जो है बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर ये टीम यानी लखनऊ सुपर जायंट्स अगर जीत जाती तो पूरा का पूरा जो श्रेय है वो केएल राहुल को मिलता, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स हार गई है तो हार का जो ठीकरा है वो केएल राहुल की कहीं ना कहीं स्लो पारी बताई जा रही है और मिसमैनेजमेंट बताया जा रहा है। क्योंकि एवन लुइस को आप जो है ऊपर भेज सकते थे मनन बोहरा की जगह, मनन बोहरा को कहीं ना कहीं आप नीचे वन डाउन या टू डाउन कर सकते थे, लेकिन एवन लुइस जैसे ऑलराउंडर को जो है आप तीसरे नंबर पर खिला सकते थे। और पिछले मैच में क्या शानदार कैच पकड़ा था एवन लुइस ने रिंकू सिंह का, तो वो कैच जो है कैच मतलब आईपीएल 2022 में सबसे शानदार कैचेस में से एक रहा था। तो आप जो है एवन लुइस को ऊपर खिला सकते थे और मनन वोरा को वन या टू डाउन नीचे मतलब नीचे खिला सकते थे। तो बहुत ज्यादा गलतियां रही और मिस फील्ड बहुत ज्यादा रहा। आप जो है केएल राहुल की सिर्फ गलती नहीं है लेकिन मिस फील्डिंग भी बहुत ज्यादा हुई है कल, जिस तरीके से मनन बोहरा से कैचेस छूटे थे और प्लेयर से भी कैचेस छूटे थे, दिनेश कार्तिक के कैचेस छूटे थे और रजत पाटीदार जो कल शानदार तरीके से चमके थे, जो प्लेयर ऑफ द मैच थे कल के, उनके भी बहुत ज्यादा कैचेस छूटे थे। तो ऑल इन ऑल लखनऊ की टीम से बहुत बड़ी गलतियां हुई
हुई हैं, चाहे वो केएल राहुल की स्लो पारी की बात कर लीजिए, मिसमैनेजमेंट की बात कर लीजिए क्योंकि आप इवन लुइस को ऊपर भेज सकते थे, या फिर खराब फील्डिंग की बात कर लीजिए, तो तीनों ही डिपार्टमेंट्स में जो है लखनऊ सुपर जायंट्स फेल होता हुआ कल नजर आया। और चमके हैं कौन? रजत पाटीदार कल बहुत अच्छे तरीके से चमके हैं। पहले अनकैप्ड प्लेयर रहे हैं जिन्होंने आईपीएल 2022 में अपना जो है अर्धशतक जड़ा है, बहुत ही शानदार खेला है। वहीं अगर हम आरसीबी के बॉलर्स की बात करें, देखिए आरसीबी के बॉलर्स में हर्षल पटेल का वो ओवर था जिसने जो है मैच पूरा पलट दिया था। अगर हर्षल पटेल का वो ओवर नहीं होता तो शायद लखनऊ सुपर जायंट्स जो है अगला मुकाबला अपना खेल रही होती किसके सामने? राजस्थान रॉयल्स के सामने। तो इसीलिए लखनऊ सुपर जायंट्स का जो सफर था कल के बाद खत्म हो चुका है आईपीएल 2022 में। देखिए वो तीन बड़ी गलतियां हमने आपको बता ही दी है, लेकिन चमक गए थे। देखिए चमक गए थे रजत पाटीदार कल के मैच में। और जैसे हम बॉलर्स की अभी बात कर रहे थे तो बॉलर्स में हर्षल पटेल का वो ओवर था जिसने मैच जो है पूरा पलट कर रख दिया था। या फिर अगर हम बात करें जॉश हेजलवुड की, जॉश का जो जोश था कल बहुत ही ज़्यादा अलग, सातवें आसमान पर था जिस तरीके से 3 विकेट हॉल उनका रहा था और लग रहा था कि हैट्रिक ले लेंगे, विकेट्स की हैट्रिक ले लेंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे साबित हुए, बहुत बहुत किफ़ायती ओवर उनका रहा। और अगर यहाँ से हम लखनऊ सुपर जायंट से बात करें तो सारे ही बॉलर्स जो है बहुत महंगे साबित हुए, सिर्फ मोहसिन खान को छोड़ दीजिए। मोहसिन खान ने हालांकि 1 विकेट चटकाया, लेकिन इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा साबित हुए, काफ़ी ज़्यादा किफायती उनका ओवर रहा। तो देखिए ऑल इन ऑल लखनऊ सुपर जायंट्स का जो हार का ठीकरा है वो कहीं ना कहीं लोग जो है फोड़ रहे हैं राहुल पर, उस राहुल पर जो कमाल क्लासी राहुल, जो क्लासी शॉट्स लगाने में माहिर है, जिन्होंने 600 रन्स का जो आंकड़ा है वो पूरा कर लिया है। और आईपीएल 2022 में 2 शतक यानी 2 सेंचुरी लगा चुके हैं केएल राहुल, और 4 जो है हाफ सेंचुरीज यानी 4 अर्धशतक लगा चुके हैं। और आप जानते ही होंगे केएल राहुल की वो 2 सेंचुरी वाली पारी मुंबई के खिलाफ, मुंबई इकलौती ऐसी फ्रेंचाइजी, इकलौती ऐसी टीम के खिलाफ जो है राहुल अपने 2 शतक जड़ चुके हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की पारी खेलते आ रहे राहुल, लेकिन कहीं ना कहीं कल थोड़े से डिसअपॉइंट है गौतम गंभीर भी, जिस तरीके से आप उनके रिएक्शन देख रहे थे, राहुल जिस तरीके से पारी खेल रहे थे, स्लो पारी खेल रहे थे, लेकिन आते आते टिके हुए थे पिच पर जो है टिके हुए थे। तो फैंस जो है बहुत ज़्यादा निराश हैं राहुल की पारी को लेकर, बट अब क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकता है, लखनऊ सुपर जायंट्स का जो सफ़र है वो खत्म हो चुका है आईपीएल 2022 का। उम्मीद यही रहेगी अगले साल, जिस तरीके से केएल राहुल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा है कि अगले साल हम कमबैक करेंगे और अच्छी तरीके से कमबैक करेंगे, क्योंकि नई नवेली टीम है, पता नहीं है किस तरीके से खेलेगी, तो कमबैक करेंगे अगले साल, काफ़ी शानदार तरीके से कमबैक करेंगे। 8 ऑलराउंडर से भरी ये टीम थी, फिर भी हार गई तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुआ है। तो देखिए कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं कि आपको केएल राहुल की पारी कल कैसी लगी, क्या आपको भी यही लगता है कि जो हार का ठीकरा है वो सिर्फ केएल राहुल पर फूटना चाहिए, या फिर मिस फील्डिंग, मिस मैनेजमेंट, ये 2 भी बहुत बड़ी वजह है जिससे लखनऊ सुपर जायंट्स का जो सफ़र है आईपीएल 2022 का समाप्त हो चुका है, कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को प्यार बरसाइए, देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, आपका 1 लाइक भी बहुत कीमती है हमारे लिए, तो लाइक कीजिए वीडियो को। और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए।